नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सलवा पंचायत के खाल और टिब्बा गांव के लोग 15 अगस्त को 75वें आजादी महोत्सव के बजाय गुलामी दिवस के रूप में मनाएंगे। यह बात एक पहल संस्था के मुख्य प्रवक्ता अजय शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। खाल और टिब्बा गांव के लोगों तथा एक पहल वेलफेयर संस्था के सदस्यों ने गांव में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के उपरांत एक पहल वेलफेयर संस्था के मुख्य प्रवक्ता अजय शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि एक महीना पहले दोनों गांव के सड़कों को पक्का करने के लिए आंदोलन किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री के इस क्षेत्र के दौरे के दौरान अधिकारियों व स्थानीय नेताओं के इस आश्वासन पर बंद कर दिया गया था। इस सड़क को पक्का किया जाएगा या इसकी मरम्मत कराई जाएगी, परंतु मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद एक महीना बीत जाने पर भी इस सड़क पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिस पर आज इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 15 अगस्त को पूरा देश आजादी का 75वां महोत्सव मनाएगा। वहीं इन दोनों गांव के लोग 15 अगस्त को गुलामी दिवस के रूप में मनाएंगे और वोट ना डालने का भी दृढ़ संकल्प करेंगे। है ये हमने गवर्नर हिमाचल प्रदेश एक, इसके बाद अनुराग ठाकुर जी जो हमारे स्पोर्ट्स और कल्चर मिनिस्टर हैं, यहाँ के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी में सरकार में एक अहम रुतबा रखते हैं। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन हिमाचल प्रदेश को कि हमें वोटों की जरूरत नहीं है, हमारे बीएलओ न लगाओ, हमारे गांव में बीएलओ लगा के खर्चा ना करो, अपना खर्चा बचा लो। इसके बाद जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जिनके आगमन पे हमारे साथ वादा किया गया था और वादा तोड़ दिया, उनको भी सचेत किया जाएगा और इसको महज चेतावनी ना समझें, इसको अमली जामा करने के लिए हम जी तोड़। नमस्कार, आज हम खाल टिब्बा की सड़क के बारे में हमने एक मीटिंग की है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पे लेके जाऊं कि यहाँ पे एक महीने पहले 27 तारीख को जयराम ठाकुर जी का यहाँ पे श्री नैनदेवी माता में एक विजिट था और उससे पहले खाल टिब्बा के वासियों ने एक प्रोटेस्ट किया था कि हमें सड़क जो है वो मुहैया करवाई जाए, क्योंकि उस सड़क जो है उसका बहुत बुरा हाल है। वो 7 किलोमीटर का एक रोड स्ट्रेच है जिसका प्रपोजल 2016 में उस तत्कालीन सरकार ने वो सबमिट करवाया था, लेकिन आज तक 6 साल बीत जाने के बाद भी वो प्रपोजल आज तक अधूरा है। तो उस प्रोटेस्ट में हमारे पास यहाँ के जो बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं उनके फ़ोन भी आए, एसडीएम, तहसीलदार, डीएफओ, डीसी, सबके हमें कॉन्टैक्ट किए और वहाँ साइट पे वो लोग आए भी और वहाँ पे उन्होंने वादा किया था कि अगर आप ये प्रोटेस्ट जो है ये आप उठा लो, हम आपको सड़क बना के देंगे और उसके बदले में कुछ हमें सड़क की मरम्मत भी करेंगे। लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो लोग अपने वादे से मुकर गए, किसी ने कोई काम नहीं करवाया, हालांकि इनका कोई हाल चाल पूछने नहीं आया। ये इनकी मेरे ख्याल से 1966 के बाद ये इनकी जैसे 54 साल हो गए, ये 54 साल की बरसात है जो ये लोग इस तरह से भुगत रहे हैं। कोई सड़क नहीं है, बच्चे साथ में खड़े हैं, 7-8 किलोमीटर बच्चे पढ़ने जाते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर हर 2 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल चाहिए 6 से 10 साल के बच्चों के लिए, अब वो 8th 9th 10th तक बन गया है लेकिन कोई स्कूल का प्रोविजन नहीं है। बच्चे अपने बूट खोल के बरसात के दिनों में 4-4 किलोमीटर सड़क पे आते हैं, कोई साधन नहीं है। इसलिए आज खाल टिब्बा के निवासियों ने एक बैठक की है और इस बैठक में ये फैसला किया है कि इस बार जो आजादी का दिवस 75वां महोत्सव की जो एंडिंग हो रही है, घर घर तिरंगा जो मुहिम चलाई हुई है इस सरकार ने, उस सरकार को इस आजादी के दिवस के ऊपर एक संवैधानिक ढंग से एक मैसेज दिया जाएगा। हमारे जो यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट है अनुराग ठाकुर जी हैं, उनका नाम लेना इसलिए आवश्यक है कि जो हमारी इस खाल और टिब्बा का प्रपोजल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको डील कर रही है, यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस जिला से हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील कर रही है, उनको कोई संवेदना नहीं है। यहाँ के जो रणधीर शर्मा जी हैं उनकी संवेदना में कमी दिख रही है, यहाँ के जो MLA हैं उनका तो कहना ही क्या है ठाकुर रामलाल जी का, वो बूथ बूथ को मजबूत करने की बात। एंस्टा न्यूज़ के लिए श्री नैना देवी से प्रदीप चंदेल की रिपोर्ट।